30 साल में 100 बिलियन रुपीस ट्रांसफ़र किए गए, 200 साल में पूरे 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर ले गए, एजुकेशन तथा कल्चर को अपना निशाना बनाया। क्या होता अगर वो लोग आते ही ना? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिशर्स की। क्या होता अगर वो लोग इंडिया को कॉलोनियलाइज नहीं करते, इंडिया को अपनी कॉलोनी नहीं बनाते? आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। 1600 एडी से 1947 एडी तक भारी मात्रा में देश को लूटा। विलियम डिग्बी, जो खुद एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1870 से 1900 एडी के बीच, यानी सिर्फ 30 सालों में 9 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग ट्रांसफ़र किए गए इंडिया से, जो कि वर्तमान समय में भारत के 1 खरब रुपए के बराबर है। 1 खरब यानी 1 के पीछे 9 जीरो। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा अमाउंट। रिसर्चेस बताती है कि 1750 में भारत की जीडीपी पूरे विश्व की जीडीपी का अकेले 27% थी, यानी जो कि आज की ब्रिटेन की जीडीपी का 17 गुना था। भारत अकेला 1/4 हिस्से से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था पूरी दुनिया की जीडीपी में। इंडियाज इकोनॉमी वॉज मोस्टली बेस्ड अपॉन हैंडीक्राफ्ट्स, सिल्क टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के मार्केट को बुरे तरीके से बर्बाद किया, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स पर बहुत भारी टैक्स लगा दिए और इंडियन मार्केट को ब्रिटेन के लिए ओपन कर दिया और खुद मोनोपोली अपनाई भारत के मार्केट पर। रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट उत्सा पटनायक, जिनकी रिसर्च कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश की, उन्होंने कैलकुलेट किया कि टोटल अराउंड 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स भारत से ट्रांसफ़र किए गए थे इन 200 सालों के शासन काल में। सोसाइटी, एजुकेशन और कल्चर की बात करें तो सबसे अधिक निशाना इन्हीं तीनों को बनाया गया, क्योंकि कॉलोनी सेट करने के लिए ज़रूरी था उनको समाप्त करना। देखिए एक रियल लेटर 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को लिखा था, जिसमें साफ साफ लिखा था टू एम स्पिरिचुअल कल्चरल हेरिटेज एंड एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर ब्रिटिशर्स ना आते तो हमारी 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति देश में होती, हमारी संस्कृति महफूज होती, मोस्टली रिलीजन बेस्ड क्लैशेस बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम वो भी ना होते, इंडिया का फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, पाकिस्तान का बंटवारा ना होता, पाकिस्तान भारत से अलग ना होता, म्यांमार भारत का हिस्सा होता, क्योंकि म्यांमार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की वजह से ही सेपरेट हुआ था। इसके अलावा बांग्लादेश भी आज भारत का एक पार्ट होता। ब्रिटिशर्स के आने से कुछ नॉमिनल एडवांटेजेस भी हुए, जैसे कि पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड बाय देम। 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे टू थाने पहली रेल चली, कंपैरिजन कर सकते हो। 1871 से 1919 के बीच रेलवे नेटवर्क इतनी तेजी से बढ़ा, जो कि ब्लैक लाइंस दर्शा रही है मैप्स में। मॉडर्न पोस्टल और टेलीग्राम सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया, सब कुछ किया अपने फायदे के लिए। रॉ मटेरियल ले जाने के लिए ट्रेन्स, लेबर्स ले जाने के लिए ट्रेन्स, मैसेज पहुंचाने के लिए पोस्टल सिस्टम और टेलीग्राम। इसके अलावा कुछ लेगेसीज जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, CRPC, IPC, बैंकिंग, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ब्यूरोक्रेसी एंड सोशल रिफॉर्म्स लाइक चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी एंड सती सिस्टम को भी अबॉलिश किया। वंस रविंद्रनाथ टैगोर हैड सेड, दे विल लीव वन डे, डेफिनेटली दे विल लीव, बट डर्ट स्प्रेडेड बाय देम विल टेक जनरेशंस टू क्लीन। ब्रिटिशर्स के आने की वजह से एक मेजर जो इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ा वो था इसका कल्चरल और एजुकेशनल सिस्टम बिल्कुल तहस नहस हो गया, और इसके अलावा हमारी 45 ट्रिलियन की संपत्ति भी नष्ट हो गई। इंडिया वॉज अ वेरी प्रॉस्पेरस कंट्री इन 70s एंड बिफोर, तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद बहुत ही तहस नहस हुआ इसकी अर्थव्यवस्था का। तो ये थी सारी जानकारी, आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।